The fundamental unit of life cell. क्या है? कोशिका, जीवन की मूल इकाई कोशिका, जीवन की मूल इकाई कोशिका, ये है बेटा चैप्टर आपका, ठीक है। तो इसमें आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक क्या है आपका? न्यूक्लियस। देखिए हेडिंग डाले न्यूक्लियस, ठीक है, हिंदी में केंद्रक, ठीक है बेटा। पहले कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, केमिस्ट्री और बायो, मुझे जो प्रॉब्लम होती है मैं बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था तो मेरी प्रॉब्लम होती थी, केमिस्ट्री कहती है कुछ और बायो कहती है कुछ, जैसे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कहती है कुछ और साइंस कहती है कुछ। ज्योग्राफी क्या कहती है? पानी, अर्थ किस पर है? वाटर पर। आपने भूगोल का टीचर हो, ज्योग्राफी से पूछना, वो कहेगा कि अर्थ जो है वो पानी के ऊपर है, और साइंस कहती है कि अर्थ जो है वो स्पेस में, हवा में, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री में जो न्यूक्लियस होता है, एक एटम होता है, ठीक है, यहाँ पे उसको कहते हैं हम एटम, मतलब परमाणु, सेल मतलब कोशिका, बोलो नहीं सुनते जाओ मेरी बात, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। परमाणु और कोशिका, ध्यान देने की बात है, जो एटम्स होता है, जिसको यहाँ नहीं दिख रहा होता देख ले, ठीक है, जो एटम होता है यानी जो परमाणु होता है, ठीक है, वो उसके अंदर एक, इसे कहते हैं हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी सबसे छोटा कण। इसका मतलब हुआ जो हमारी नेकेड आइज यानी हम लोग डायरेक्ट अपनी आंखों से देखें तो हमें दिखेगा नहीं। साइंस कहती है इसको, बायोलॉजी को, सेल यानी कोशिका। इस एटम के अंदर एक सेंटर होता है, एटम मान लो गोल है, परमाणु गोल, इसके सेंटर से क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियस, हिंदी में कहते हैं इसको नाभि या केंद्रक। क्या कहते हैं हिंदी में? नाभि या केंद्रक, ठीक है बेटा, ये कहते हैं, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी, और अगर खोलो तो उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हिंदी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया केमिस्ट्री में क्या कहते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। यानी केमिस्ट्री में न्यूक्लियस वो होता है जो एटम के अंदर होता है। डाल्टन, अभी पढ़ाया नहीं केमिस्ट्री में, डाल्टन पढ़ोगे, उनकी एक लिमिटेशन है, उन्होंने सब एटमिक पार्टिकल के बारे में बात नहीं की, उन्होंने बोला कि एटम एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन वहाँ पता लगा कि एटम के अंदर भी बहुत कुछ है, नहीं समझे। यानी कहने का मतलब कि एटम के अंदर, उन्होंने कहा कुछ हो ही नहीं सकता, उन्होंने कहा एटम के अंदर भी होता है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, हिंदी में नाभि, नाभिका, ठीक है, और उसके अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, ये यस। अब आते हैं हम किसकी तरफ? बायोलॉजी की तरफ, क्योंकि बायोलॉजी में सेल है, वहाँ पे एटम। सेल और एटम में डिफरेंस बताओ कोई, अभी वैसे भी जितनी रिसर्च हुई नहीं है, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत बात करते हैं, सेल लिविंग होते हैं, एटम को हम कह सकते हैं नॉन लिविंग है, अभी इस पर क्लियरिटी नहीं है, लेकिन मैं ऐसी तुम्हें कॉन्सेप्ट लिखना नहीं है किताबों में, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि वो लिविंग है और वो लिविंग है नहीं, जीवित है नहीं, है ना, तो इस तरह से हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं, उसे बांट सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं बायोलॉजी की, बायोलॉजी में क्या होता है न्यूक्लियस का मतलब, वही है क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो दोनों को केमिस्ट्री का जब हम बात करेंगे तो अलग रखेंगे, और बायोलॉजी में बात करेंगे तो अलग रखेंगे, तो जल्दी से आप देखते हैं क्या होता है। तो मैं जो बोलूँगा वो आपको लाइन लिखनी है, तो टॉपिक आपका क्या है? न्यूक्लियस, क्योंकि हम लोग नोट्स बना के पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है नेचर एंड ऑकरेंस, नेचर मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि नाभि की क्या प्रकृति, स्वरूप और उपस्थिति। तो पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, द न्यूक्लियस इज लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेल कंपोनेंट। तो पहला पॉइंट अंडरलाइन करें आप लोग अपनी बुक में, क्या है न्यूक्लियस? आप हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, आप इंग्लिश हैं, आप एक काम करें, आप पीछे ले जाएं उनके पास, उनके पास बुक है, ठीक है, बैग भी ले जाएं आप, ठीक है, तो जल्दी से फास्ट, जल्दी जल्दी काम करो। तो क्या लिखा इंग्लिश में आपने?
फिर बोल रहा हूँ, द न्यूक्लियस इज अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट. मिल गया, हिंदी में क्या लिखेंगे आप हिंदी, आपके बुक है वाली तो आपको उसके पास बैठना चाहिए. जल्दी से उठ जाओ, फास्ट फास्ट जल्दी से काम करो, तेजी से. हाँ जी, लिख ले बेटा, शाबाश. जिसको डाउट हो बेटा हाथ उठाना, मैं बताऊंगा. ठीक है, तो पहले लिख लो, मैं समझाता हूँ. हिंदी में लिखेंगे, केंद्रक के प्रमुख केंद्र में स्थित गोलाकार कोशिका अवयव है. मिल गया, केंद्रक, केंद्रक एक प्रमुख केंद्र में स्थित गोलाकार कोशिकीय अवयव, यानी एक राउंड में होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेयर मतलब गोल, है ना. तो पहली बात क्लियर हो गई. दूसरा पॉइंट इसमें लिखो, इट इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स. लिख लिया, हिंदी में लिखें आप. यह दो केंद्रीय झिल्लियों द्वारा घिरा होता है. इसके पास क्या होती है, आसपास एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है. उस मेम्ब्रेन के तरफ ये क्या होता है, ये बीच में मैं क्या हुआ है, घिरा हुआ है. जैसे गुंजन बैठी, गुंजन के इधर याशिका, इधर कीर्ति, पीछे स्वीटी और सामने समीर सर, है ना, और बीच में गुंजन. नहीं तो ये घिरी हुई हैं ऐसी, वो भी घिरा हुआ है. ठीक है बेटा, चारों तरफ से. तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया. तेईस लिखो फास्ट. ठीक है बेटा, तो हमने इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया अभी आपको, नहीं पढ़ाया ना, चलो कराते हैं. अब अगला क्वेश्चन लिखो, तो यहाँ तक हो गया बेटा. तो आपको पता लग गया क्या होता है न्यूक्लियस, क्या है, द न्यूक्लियस अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट है, और ये बाउंड होता है दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी दो झिल्लियाँ हैं, क्या लिखा है ना. और क्या होता है, केंद्र एक प्रमुख केंद्र में स्थित गोलाकार कोशिकीय अवयव है, यह दो केंद्रीय झिल्लियों के द्वारा घिरा होता है. ठीक है, अगला देखो बेटा, अगला जो टॉप पॉइंट है इसके अंदर, ऐसी नॉलेज के नाम. ठीक है, समझो लिखने की बात, क्योंकि आए नहीं है ऐसे क्वेश्चंस, फिर भी हम पढ़ लेते हैं. फिर क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप क्या करता है, फिर बोथ फॉर्मिंग अ न्यूक्लियर एनवलप, इट इज़ बाउंड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ से क्या होता है, घिरा होता है. और फिर क्या होता है, और उसके बाद क्या मिलता है हमें, बोथ फॉर्मिंग, और वो बनाती क्या है, एक न्यूक्लियर एनवलप. क्या बनाती है इसमें, केंद्रक केंद्रक आवरण. आपकी जो डायग्राम है आपकी बुक में देख रहे होंगे, बना रही है ना डायग्राम, देखे सब लोग अपनी, एक न्यूक्लियर एम्ब्रियम बना हुआ है, डायग्राम है न्यूक्लियस के पास, दिखाई दे रहा है, एक लेयर सी बनी हुई है, दिखाई दे रही है, हाँ दिख गई. इसे क्या कहते हैं हम, केंद्रक आवरण बनाता है. फिर न्यूक्लियर एम्ब्रियम इंक्लोज द स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज, और ये न्यूक्लियर एनवलप जो है इंक्लोज द स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज कनेक्टेड टू अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड ER. फिर क्या कहता है, फिर ये कह रहा है कि यही जो है ना, केंद्र आवरण दो केंद्रीय के झिल्लियों के बीच के स्थान के चारों ओर से घेरे रहता है, और अंतःप्रद्पीय जालिका नाम झिल्लियों में तंत्र से संलग्न होता है. यानी ER के साथ ये क्या होता है, एक तरह से हाँ कनेक्टेड होता है. ये जो लेयर है वो किससे कनेक्टेड है, ER से. ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, हिंदी में ऐसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बताओ यार, अंतःपिंडीय जालिका, क्या कहते हैं, अंतःपिंडीय जालिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है, द न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, केंद्रीय आवरण जो क्या करता है, केंद्र को कोशिका द्रव से पृथक करता है, यानी जो साइटोप्लाज्म पता है लिक्विड ही पार्ट होता है एक सेल्स के चारों तरफ, क्या होता है साइटोप्लाज्म, हिंदी में कहते हैं इसको कोशिका द्रव्य, जो सेल होता है ना उसके चारों तरफ होता है, तो वो कह रहा है कि इसको क्या करता है अलग करता है ना, द न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को कैसे अलग कर रहा है, कौन अलग कर रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप, हिंदी में कौन अलग कर रहा है, केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को, केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है ना। फिर क्या होता है, द न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन मेनी पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, है ना, क्या कह रहा है, और द्रव केंद्रक आवरण में अनेक छिद्र होते हैं और द्रव भरण पदार्थ केंद्रक द्रव्य के चारों ओर से घिरे रहता है, बहुत सारे इसके अंदर पोर्स हैं, है ना, एंड इंक्लोज द लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस द न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, जिसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब अंडरलाइन करो न्यूक्लियोप्लाज्म, एक अलग टॉपिक लो, न्यूक्लियो, न्यूक्लियस हो गया, अगला है न्यूक्लियो, जो न्यूक्लियस जुड़े हुए सब लिखवा देता हूँ मैं, कुछ भी आ जाए अगर, वैसे ये वाले आते नहीं हैं, फिर भी उस अगर आ गए तो उस समय आप ही कर पाओगे क्वेश्चन, केंद्रक द्रव्य, ठीक है बेटा, इसे कहते हैं न्यूक्लियो, NUCLEOPLASM, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ से लिखो द न्यूक्लियर एनवेलप, क्या लिखोगे बेटा, द न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन मेनी पोर्स एंड इंक्लोजेस द लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, मिल गया, द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, द न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन मेनी पोर्स एंड इंक्लोज द लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, हिंदी में लिखो बेटा, केंद्रक आवरण में अनेक छिद्र होते हैं, लिखो बेटा, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य, है ना, केंद्रक आवरण में अनेक छिद्र होते हैं, इसमें बहुत सारे छेद होते हैं, मतलब पोर्स, एंड द्रव भरण पदार्थ केंद्रक द्रव के चारों ओर से घेरे रहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, चारों ओर से घेरे रहते हैं, किसे घेरे रहते हैं, केंद्रक द्रव्य को, है ना, और द्रव भरण पदार्थ जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म को चारों से घेरे रहते हैं। अब केंद्रक छिद्र जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर्स, फिर क्या कह रहा है, न्यूक्लियोपोर्स अलाउ मटे बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। अब देखो, अब एक बड़ा है इसके अंदर न्यूक्लियोपोर्स, क्या होता है न्यूक्लियोपोर्स, न्यूक्लियोपोर्स, जब आगे जाओगे ना 11 12th में तब ये बहुत हेल्प करने वाले हैं पाते, न्यूक्लियोपोर्स हिंदी में कहते हैं केंद्रक छिद्र, ये सब न्यूक्लियस से, ये सब न्यूक्लियस की कैटेगरी है बेटा, न्यूक्लियस बहुत एडवांस है, उसके अंदर हमारी ये सारी बातें हमारी जा रही हैं, है ना, क्या जा रही है, केंद्रक छिद्र। अब वो क्या कह रहा है, जो न्यूक्लियोपोर्स क्या करते हैं, अंडरलाइन करो, न्यूक्लियोपोर्स अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, लिख लिया, हिंदी में क्या कह रहा है, केंद्रक द्रव्य में लिखो, केंद्रक छिद्र, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, केंद्रक छिद्र, केंद्रक द्रव्य और कोशिका के बीच पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, हाँ क्या करते हैं, पदार्थों का, ठीक है, स्थानांतरण करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, तो न्यूक्लियोपोर्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म,
न्यूक्लियर प्लाज्मा में बताया था क्या होता है, केंद्रक। अब आपके पास एक तो न्यूक्लियर प्लाज्मा आ गया और एक साइटोप्लाज्मा आ गया, याद है हिंदी में केंद्रक द्रव्य और ये हाँ कोशिका द्रव्य, याद है। अब जो अगला क्वेश्चन है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स, इसको और इसको क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ट्रांसफर, है ना, क्या कर रहे हैं जल्दी बताओ, बहुत टिपिकल बात है। हाँ तो न्यूक्लियो, हाँ तो न्यूक्लियोपोर्स क्या कर रहे हैं, अलाउ स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोपोर्स अलाउ ट्रांसफॉर्म मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, यानी ये काम न्यूक्लियोपोर्स का काम है, केंद्रक छिद्र का काम है कि वो क्या न्यूक्लियोप्लाज्म को दे और क्या साइटोप्लाज्म को दे, क्या वो केंद्रक द्रव्य और क्या कोशिका द्रव्य को दे, ठीक है बेटा। हिंदी में लिख लिया बेटा, हाँ हिंदी वाले कोशिका छिद्र लिख लिया, केंद्रक आवरण में अनेक छिद्र होते हैं, यानी केंद्रक छिद्र द्रव पदार्थ केंद्रक द्रव्य के चारों घिरे रहते हैं, केंद्रक छिद्र केंद्रक कव्य और कोशिका के बीच पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है बेटा। अब अगला लिखो अंडरलाइन और करो, केंद्रक कव्य एक बड़ा है इसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, सारे न्यूक्लियस के हिस्से हैं बेटा, आप न्यूक्लियस के अंदर और जाते हैं हम, क्या है न्यूक्लियस। अब वो कह रहा है न्यूक्लियो न्यूक्लियोप्लाज्म, लिखो न्यूक्लियोप्लाज्म लिखो। अब वो कह रहा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म, अंडरलाइन करो, न्यूक्लियोप्लाज्म लिखो, नहीं अंदर लिखो, न्यूक्लियोप्लाज्म टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर, देखो विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आर एम्बेडेड, मिल गया। इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल, मिल गया, ये लिखो अंडरलाइन करो, हिंदी में लिखो। केंद्रक कव्य क्या है, केंद्र कव्य क्या कहते हैं इसको, केंद्र कव्य, ये रखना 11th 12th बड़े हेल्प करने वाले हैं, आते आती ही लाइन है सही में ऊपर से निकल जाती हैं। केंद्र कव्य क्या है, न्यूक्लियो प्लाज्म लिखो, केंद्र कव्य तो क्या लिखोगे, केंद्र कव्य के भीतर दो प्रकार के केंद्रक संरचनाएं, केंद्रिका और क्रोमेटिन पदार्थ स्थापित रहती हैं, अंतः स्थापित रहती है, मिल गया। नीचे सबसे नीचे देखो चौथी लाइन मिला, चौथी लाइन केंद्रिका केंद्र कव्य के भीतर, चौथी लाइन बीच में देखो, केंद्र कव्य के भीतर दो प्रकार की केंद्रक संरचनाएं केंद्रिका और क्रोमेटिन अंतः स्थापित रहती हैं, मिला मिला बेटा, अंडरलाइन कर लो, यानी इसके अंदर दो चीजें और मिल गई, मिला ये वाला नहीं, ये वाला है यहाँ से लिख नहीं रहे कॉपी में, बस केंद्र कव्य, हाँ दो बार आ गया ना इसलिए कंफ्यूज हो रहा, ठीक है बेटा। नहीं आई, केंद्र कव्य के पीछे भीतर क्या है, दो दो क्या है, केंद्र संरचना है, एक तो होता है निकेंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल, और क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, क्रोमेटिन एक क्रोटीन होता है, पता है ना क्रोटीन जो हेयर ब्लोंडिंग कराते हैं आजकल, तो क्रोमेटिन क्रोटीन क्रोटीन होता है ना, कैरेटीन सॉरी हाँ कैरेटीन ट्रीटमेंट होता है, याद है वो समझे, बालों की जो रूट को डेडनेस निकालता है ना, लेकिन ये अलग वर्ड है, ये क्या है क्रोमेटिन मटेरियल ना, हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया, तो देखो न्यूक्लियस कितना कैटेगराइज है, सोच लो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर न्यूक्लियस के अंदर जाओगे कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर सिर्फ न्यूक्लियस पूछ ले आपसे एक नंबर दो नंबर, तो सबसे पहले जो दिखाया था वो लिखोगे, अगर पूछ लिया न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है हिंदी में, केंद्रक द्रव्य क्या है, न्यूक्लियोपोर्स क्या है, एक एक नंबर के ये तो होते हैं 95 तक आप पढ़ सकते हो, लेकिन 95% जो होते हैं पता नहीं कहाँ से दे दे, वही तो टॉपर है। फिर बताया न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी है केंद्र कव्य के अंदर दो चीज़ें आ गई, वो दो चीज़ें कौन कौन सी मिली आपको, न्यूक्लियोलस
एंड क्रोमेटिन मटेरियल, हिंदी में, हाँ हिंदी वाले, केंद्रिका और क्रोमेटिन पदार्थ, मिल गया, लिख तो जाओ साथ में कॉपी में यार, हैं। फिर क्या कहता है, द न्यूक्लियोलस, अब एक और बड़ा है जो इसने बोला न्यूक्लियोलस, इसको भी और आ जाओ, न्यूक्लियो न्यूक्लियोलस हिंदी में केंद्रिका, केंद्रिका, अब इसके अंदर भी और है, क्या कहता है केंद्रिका के अंदर, लिखो इसको क्या कहते हैं, केंद्र न्यूक्लियोलस है ना, लिखो देखो, न्यूक्लियोलस मे बी वन और मोर इन नंबर एंड इज नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन किसी भी मेम्ब्रेन से कनेक्ट नहीं होते, ये नोट करने की बात है, मिला बेटा हिंदी वाले, केंद्रिका संख्या में एक एक अथवा अधिक हो सकते हैं और किसी झिल्ली द्वारा नहीं घिरे होते हैं, मिल गया बेटा, और कोई भी लेयर नहीं है इसको जो जोड़े हुए, ठीक है, लेकिन हाँ, और इसके अंदर और लिखो दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, यह प्रोटीन और आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म बता दी, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए अणुओं से भरपूर होते हैं, मिल गया बेटा कार्तिक, सिद्धार्थ मिला बेटा, लिखते रहो, यह प्रोटीन और आरएनए अणुओं से भरपूर होते हैं और राइबोसोम निर्माण के स्थान हैं, और जो राइबोसोम जो वहाँ बनते हैं वो कहाँ बनते हैं आपके, हेलो आ गया, हाँ राइबोसोम कहाँ फॉर्म होता है, एक नंबर कहाँ बनता है, केंद्रिका में, हिंदी में लिखें इंग्लिश में लिखें, तो न्यूक्लियोलस, हाँ न्यूक्लियोलस मे बी वन और मोर नंबर एंड इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इट इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए, इसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड एक्ट एज द साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन, और किसका काम करता है, राइबोसोम फॉर्मेशन का, अच्छा मैंने राइबोसोम और लाइसोसोम पढ़ाया था याद है, कोई डिफरेंस बता सकता है, हाथ उठा के बोलना, पहले किसे पता है राइबोसोम और लाइसोसोम, हाँ बताइए, राइबोसोम और लाइसोसोम एक फंक्शन ही बताया था मैंने, उनमें से एक ऐसा है जो अगर चीज यूज नहीं हो रही उसको खा जाता है, हाँ है ना, तो अब जो घर जाकर पढ़ने मैं करा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, राइसोसोम और लाइसोसोम पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये सारी बातें, अच्छा तो क्या बोला इसने, तो फॉर्मेशन किसके महल करते हैं, ये न्यूक्लियोलस, इसके अंदर प्रोटीन होता है और आरएनए न्यूक्लियस घिरे होते हैं और ऑफ एंड एक्ट एज द साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन, और राइबोसोम को बनाने का काम भी करते हैं। अब इसका एक और नाम है न्यूक्लियोलस का, नाम क्या नाम है इसका, नाम है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, क्या कहते हैं, हाँ राइबोसोम निर्माण का काम करते हैं ना, हाँ हिंदी में राइबोसोम का कारखाना है ना, केंद्रिका का दूसरा नाम क्या है, राइबोसोमों का कारखाना, इंग्लिश में न्यूक्लियस क्या है, एक फैक्ट्री है जहाँ पर कारखाना बन रहे हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, राइबोसोम कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, और देखो कहीं ना कहीं राइबोसोम भी मिल गया आपको, अंडरलाइन कर लो, राइबोसोम का और काम क्या होता है, राइबोसोम कहाँ बन रहे हैं, न्यूक्लियोलस में, दिख नहीं रही आप, हिंदी इंग्लिश दिख नहीं रही, हाँ न्यूक्लियर यानी केंद्रिका राइबोसोम को बना रहे हैं, हाँ और राइबोसोम का काम क्या है, हाँ राइबोसोम का काम क्या है जल्दी बताओ, हाँ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसाइज इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, है ना, तो हिंदी में लिखने वाला बात, तो क्या लिखोगे, राइबोसोम कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया, हमने आपको न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, 8-10 चीज़ें बता दी, यस और नो,
तो आपके अंदर ये भी क्लियर हो गया राइबोसोम कहाँ से आता है ना। बाकी क्रोमेटिन जो है वो आप घर से पढ़ना, ठीक है, और क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं कभी ये आया है या नहीं आया मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज में, तो ये अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, अगर होगा पेपर में तो मैं इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो आपका अगला जो टॉपिक है न्यूक्लियस, मैंने आपको बहुत अच्छा करा दिया, कोई डाउट ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस भी बहुत मिल गया आपको, इधर से लिखने की जरूरत नहीं है आपका। अगर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में डिफरेंस आ जाए हिंदी में, केंद्रक और केंद्रिका, ओए केंद्रक और केंद्रा दो अलग चीजें हैं भाई, याद रखना, केंद्रक और केंद्रिका इंग्लिश में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, तो ध्यान रखना है ना, ना अगर गलत कर दिया तो आपका लोलस हो जाएगा, है ना। है ना, तो ध्यान रखियो, क्लियर। तो ये आपका हो गया, अगला टॉपिक है आपका क्या है, क्रोमोसोम। वेरी क्रोमोसोम क्या है, एक मिनट, इसके बाद था न्यूक्लियोलस, फिर रुक जाओ, क्रोमोसोम हिंदी में केंद्र का, क्रोमोसोम में बाद में कराऊंगा, ठीक है। अगला करो, अभी कराऊं, डायप्लोइड हैप्लोइड नहीं हो पाएगा उतना इंटरेस्टिंग से कराना चाहता हूँ, इसको छोड़ो अभी। क्रोमोसोम एक बहुत ही एक मान लो एक होता है, क्रोमोसोम 23 होते हैं ना गुणसूत्र जो हैं आपके शरीर के अंदर, लड़कों में 30 तो ये 23, लड़कियों में 23, ठीक है, जो बेबी फॉर्म होता है 46 से, एक इस स्टेज को एक स्टेज होती है, इसके कहते हैं डायप्लोइड है हैप्लोइड, मैं आगे बता दूंगा लेकिन इसे बहुत डिटेल में जाऊंगा तब मज़ा आएगा, वरना टाइम है नहीं उतना, ठीक है। तो इतना मान लो होते हैं 23, तो एक बात है, ठीक है, जो हमारे जीन्स और डीएनए में हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में ना, तो ये बहुत लंबी चीज़ है, इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा, अभी हो नहीं पाएगा, तो क्योंकि मैं इसे डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे इसमें सिस्टर क्रोमोसोम होते हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो यहाँ से करते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है बेटा, निकालो, कोशिका द्रव्य। अगला टॉपिक हमारा है साइटोप्लाज्म, लिखो जल्दी से। आपको पता है साइटोप्लाज्म आपका पेपर में आता है, ठीक है, ये दो दो नंबर के क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म हिंदी में कोशिका द्रव्य, अभी बताया था एक साइटोप्लाज्म और हाँ याद है, अभी हमने करा था, हाँ साइड यानी कोशिका द्रव्य, तो इसका डिफरेंस आपने अभी कर देखा है थोड़ा सा, अब डिटेल में जाते हैं कि साइटोप्लाज्म आखिर है क्या चीज़, ठीक है, आगे चल देखते हैं। सबसे पहले कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, नेचर एंड ऑकरेंस हिंदी में कहते हैं स्वरूप और एवं उपस्थिति, कोशिका का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक आवरण के बीच में उपस्थित होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। अंडरलाइन करो जल्दी से, फास्ट मिला कोश 1.6, नहीं मिलता तो पूछा तो करो, ये कहाँ है, तो 1.6 कहाँ है, 1.6 देखो कहाँ है, हिंदी में लिखो, कोशिका का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक आवरण के बीच में उपस्थित होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। इंग्लिश में लिखो, द पार्ट ऑफ सेल, द पार्ट ऑफ द सेल विच ऑकर्स, द पार्ट ऑफ द सेल विच ऑकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लो न्यूक्लियर एनवलप। अभी मैं न्यूक्लियर एनवलप के बारे में बताया था थोड़ा सा आपको, याद है, देखो वो क्लियर हो गए ना, वर्ड आते हैं अभी टेक्निकल वर्ड, अब तुम्हें समझ में आ रहे हैं होते क्या हैं, तो ये पता क्योंकि बीच में आते हैं क्वेश्चन में तो हम कन्फ्यूज रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। द पार्ट ऑफ द सेल विच ऑकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। मिल गया बेटा, हाँ जी दीपांशु, आज तो टेबल भी है ना, हो गई ए 30, अरे ये बात हुई ना, हाँ जी अभी करते हैं, पहले क्लास कैसे में वाली, क्लियर, चलिए देखो बेटा फास्ट 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 देखो बेटा, हाँ तो आपका ये हो गया बेटा, हाँ जी हो गया, तो आप लोग कर लिए,
तो इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और भी कुछ हो सकता है इसमें? देखो हाँ, इसे पढ़ रहा हूँ भी समझे, तो जरूरी नहीं लिखना, समझो हम भी समझे क्या पढ़ा रहे हैं। द इनर ग्रैनुलर मास ऑफ द साइटोप्लाज्म इज ऑफन कॉल्ड एंडोप्लाज्म, वाइल द आउटर क्लियर लेयर इज कॉल्ड द कोर्टेक्स और एक्टोप्लाज्म। चलिए ये भी अच्छी चीज लग गई। अगला इस साइटोप्लाज्म दूसरा पॉइंट, ठीक है देखो, द इनर ग्रैनुलर मास ऑफ द साइटोप्लाज्म इज ऑफन कॉल्ड एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म किसके अंदर पाया जा रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना? बोला नहीं करो है, मैं बोल रहा हूँ आप बस सुनो, मैं बोल रहा हूँ पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म, तो आप सुनो, है ना? आप बोलोगे तो क्या होगा, है ना? तो उस चीज़ को आप समझ नहीं पाओगे। इसे पढ़ाई करते हुए बहुत, जितने आप शांत रहोगे, जितना आपका दिमाग उस चीज़ पर रहेगा शांत, तो आपको यही याद हो जाएगा, समझे? घर जाके रिवाइज कर लो जिंदगी भर के लिए याद, ठीक है? तो मैं कितना समझा के पढ़ा रहा हूँ अंदर अंदर डिटेल में ना। तो क्या कह रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? एक एंडोप्लाज्म है और एक सेल कॉर्टेक्स और एक्टोप्लाज्म। सेल कॉर्टेक्स का दूसरा नाम एक्टोप्लाज्म है, ठीक है? हिंदी में लिखो कोश, दूसरा पॉइंट लिखो इसी के अंदर बेटा, कोशिका द्रव्य के का भीतरी कणकीय द्रव्यमान प्रायः अंतर द्रव्य, जबकि कोशिका द्रव्य का भीतरी कणकीय द्रव्यमान, लिखते जाओ बेटा उसी के नीचे लिखा हुआ है, कोशिका द्रव्य का कहाँ चले गए, कोशिका द्रव्य में तीसरी लाइन है बेटा, कोशिका द्रव्य का भीतरी कणकीय द्रव्यमान प्रायः कोशिका द्रव्य का भीतरी कणकीय द्रव्यमान प्रायः अंतर द्रव्य, जबकि भारी है भारी स्वच्छ स्तर कोशिकीय बलकुट अथवा बहिर्द्रव्य कहलाता है। इतना याद कर लो, अंदर वाला साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो एंडोप्लाज्म, और जो बाहर है, मतलब साइटोप्लाज्म एक नाम मान लो, नहीं समझे? जैसे कवि बस्ती जो बनी है एक बाउंड्री से बनी है, ये क्या हो गई, ये बाउंड्री मान लो, ऐसी गलत बता रहा हूँ समझने कोशिश करना, ये बाउंड्री क्या है, कॉर्टेक्स। इस बाउंड्री के घर में अंदर घर है, मकान है, शुक्र बाजार भी आता है, ये क्या हो गया, कैसी रही समय आ गया, तो ऐसा कुछ हुआ, हाँ जी हो गया। तो बाकी हमें डॉक्टरी तो करनी नहीं है, अभी बस हल्का समझना है, काफ़ी है याद रखने के लिए। हाँ चलो, और बाकी अब इसको और डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आगे नहीं जाते, घर पे पढ़ लेना, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो हम इसको भी देख लेंगे, ठीक है? चलो हमारा अब क्या कंप्लीट हो गया, साइटोप्लाज्म ने बहुत यानी कोशिका द्रव्य आपको डिटेल में समझा दिया मैंने, और उसके अंदर भी क्या होता है वो भी बता दिया, ठीक है? और उसके अंदर क्या होता है वो हम MBBS में पढ़ेंगे, है ना, रिसर्च के साथ, लेकिन अभी डॉक्टरी के समय, लेकिन अभी अभी देख रहे हैं पेपर में आ रहा है नहीं, इतना तो आता नहीं है, ऊपर ऊपर भी पूछते हैं ना क्या है कैसे है ना फला फला। तो ये कंप्लीट हो गया। तो अगला अब हमारा है टॉपिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अक्सर देखा गया है आपके एग्जाम्स में आया है। ER दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्मूथ और रफ, है ना? तो ये जो क्वेश्चन है हम जो करने जा रहे हैं, है जी कार्तिक कह रहा है बोर हो गए लिखते लिखते हैं इतना देते कि उन्होंने लिखा, आज सर ने लिखवा लिया लेकिन ध्यान रखना बेटा ये आप लोगों के लिए ही है, साथ ही साथ मैंने बताया टाइम टेबल बताया, 4 घंटे कम से कम, 2 घंटे मैथ, नहीं समझे? 9th में अगर आपको स्कोर करना है नहीं, तो इसलिए तो समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टेंशन बहुत होगी उस समय, इसलिए अभी से 2-2 4-4 क्वेश्चन याद करते रहें। उस समय क्या होगा बताया, 2 भी क्वेश्चन करे तो 1 महीने कितने हो गए, 60 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से, है ना? और वो तो मैं पूरे एग्जाम में याद नहीं होते, 7 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में या एक चैप्टर के जाएंगे, तो ऐसे ऐसे याद करो, 2-2 क्वेश्चन बहुत आसान है याद करना, किसी ने शायद ऐसा रूटीन बनाया हो तो उसे लग भी रहा होगा ये तो बहुत ईजी काम है। अगर किसी ने बनाया है रूटीन, आपने बनाया गीतिका, ताली जाएगी गीतिका लिए सब लोग, और आपके पापा कह रहे थे हमने इसको एक गोल्डन फॉर्मूला बताया हमें क्या है मतलब टाइम क्या बताया, हमें बताओ शेयर करो, बात बताओगे, अच्छा ठीक है। तो जैसे कोई अच्छी चीज़ हो पहले शेयर करनी चाहिए, है ना? तो वो अच्छाइयाँ बढ़ती हैं, ठीक है? तो ये हो गया, तो अब बच्चे बोर हो रहे हैं तो यहीं छोड़ते हैं ना, क्यों ही कार्तिक
लिख रहे, चलो इतना ही कर लो आज, याद कर लो, लिख रहे ना कॉपी में। तो अब हमारा जो टॉपिक अगला आई कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, ठीक है।